प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राज के जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जिस प्रकरण पर आपसे वार्ता करने जा रहे हैं वह प्रकरण आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत संकलित है और उसका शीर्षक है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। बच्चों, भारत अर्थात हमारा अपना देश, इस देश की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों से हम आपको अवगत कराएंगे। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम सुना है और एक महान रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में जो उनकी प्रतिष्ठा है उससे भी आप परिचित हैं। बच्चों, आइए मैं इस महान लेखक के जीवन परिचय से आपको अवगत कराता हूं। देखिए बच्चों, एक जो छाया चित्र आपके सामने है यह हिंदी साहित्य के महान रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आपका जन्म सन 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र गिरधर दास था और अल्पायु में अत्यंत कम अवस्था में, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1885 ईस्वी में आपने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन इस छोटे से जीवन काल में साहित्य और समाज को उन्होंने जो कुछ दिया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। आप उनकी महानता को इस ढंग से समझ सकते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के काल विभाजन में जाते हैं तो आधुनिक काल के सबसे प्रथम युग का नाम ही महान लेखक भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में जो उनकी उपादेयता रही, जो कुछ उन्होंने अवदान किया, उस अवदान को महत्व प्रदान करने के लिए, उनके अवदान को नए सिरे से रेखांकित करने के लिए हम आधुनिक काल के प्रथम कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। बच्चों, आइए हम आपको भारतेंदु जी के रचना संसार से परिचित कराते हैं। देखिए बच्चों, भारतेंदु जी ने खड़ी हिंदी बोली गद्य का आविर्भाव किया। जो काव्य रचनाएं हो रही थी वो ब्रज भाषा में हो रही थी, लेकिन भारतेंदु जी यद्यपि की काव्य रचना के क्षेत्र में उन्होंने स्वयं ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन गद्य के क्षेत्र में वह खड़ी हिंदी बोली को लेकर आए और अपने समय के लेखकों को खड़ी हिंदी बोली में लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारतेंदु जी के प्रयास से हिंदी साहित्य की नवीन विधाओं का भी आविर्भाव हुआ। भारतेंदु की प्रेरणा से गद्य लेखन का विकास हुआ और कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्त, संस्मरण अनेक रूपों में गद्य लिखा जाने लगा। यह भारतेंदु जी की, उनके प्रयास की एक बड़ी उपलब्धि रही। बच्चों, आपके रचना संसार में जो सबसे प्रमुख नाटकों को देखते हैं बच्चों, सत्य हरिश्चंद्र, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने केवल दो नाटक देखे थे और बचपन में, और उन दोनों नाटकों का उनके जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। उसमें से सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की मातृ पितृभक्ति, तो सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत जननी, धनंजय विजय, निबंध संग्रह सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, इतिहास ग्रंथ सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। भारतेंदु जी ने अपने समय में कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया,
उन्होंने भारतेंदु मंडल की स्थापना की और भारतेंदु मंडल के लेखकों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में भी थे और सभी ने संपादन का कार्य किया। बच्चों, स्वयं भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया। भाषा खड़ी हिंदी बोली एवं ब्रजभाषा, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किया और कविता के क्षेत्र में आपने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। बच्चों, आगे जो आपके गद्य खंड का प्रथम पाठ है, भारतो वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसके एक महत्वपूर्ण अंश का मैं वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए, हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश की उन्नति कैसे हो, इस विषय पर भारतेंदु जी ने इस निबंध में विचार किया है। 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु जी ने इसी विषय पर जो भाषण दिया था, बाद में उसको निबंध के रूप में प्रकाशित किया। आइए देखते हैं कि भारत की उन्नति के लिए भारतेंदु जी ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ददरी के मेले में उन्होंने यह भाषण दिया था। आप जानते हैं, मेला भीड़ का, जहां पर लोग एकत्र होते हैं और वहां पर जाकर हम अपनी बात को लोगों तक प्रेषित कर सकते हैं। संभवतः यही कारण रहा होगा कि भारतेंदु जी इस बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए गए। और उन्होंने यह जोड़ा है उसमें कि जो लोग उस मेले में थे बड़े ही उत्साहित थे। जाहिर सी बात है कि मेले में लोग उत्साह के साथ जाते हैं और भारतेंदु जी के आने के कारण यह उत्साह और अधिक बढ़ गया है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। आलसी, आलसी देश भारतवर्ष को उन्होंने कहा, आलसियों का देश, और जो आलसी होगा वह अभागा होगा। इसलिए उन्नति के लिए सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है वह है आलस्य को त्यागना। आप जानते हैं कि विद्यार्थी के लिए आलस्य कितना खतरनाक है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी के पास विद्या नहीं हो सकती, और विद्या नहीं होगा तो आपके पास धन नहीं आएगा, धन नहीं होगा तो समाज आपसे नहीं जुड़ेगा, और जब आप समाज में नहीं होंगे तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बच्चों,
आपके मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है वह आलस्य ही है। इसलिए आलस्य को त्याग करके आपको विद्या का अध्ययन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से राष्ट्र की उन्नति में संलग्न लोगों को भी आलस्य को त्यागना होगा। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, रेल की गाड़ी। रेल में जो डिब्बे होते हैं उसकी एक विशेषता यह होती है कि जब तक इंजन न हो वो डिब्बे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हिंदुस्तानी लोग भी उसी रेलगाड़ी के समान हैं। जब उनको कोई खींचने वाला रहेगा, कोई अगुआ रहेगा उनको ले जाने वाला, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। आप जानते हैं कि प्रथम श्रेणी का डिब्बा, एयर कंडीशन डिब्बा रेलगाड़ी में जो होते हैं बिना इंजन के नहीं चल सकते। उसी तरह से योग्य होते हुए भी ये भारतीय बिना अगुआ के आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यदि इन हिंदुस्तानियों को कोई नेतृत्व करने वाला मिल जाए, भारतवासियों को कोई नेतृत्व करने वाला मिल जाए, कोई अगुआ मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्वाधीनता की लड़ाई का ही उदाहरण ले लिया जाए तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन्हीं भारतीयों ने स्वयं हमारे देश के लोगों ने ही अंग्रेजों से इस लड़ाई को जीत लिया था। तो निश्चित रूप से परिश्रम, पुरुषार्थ की कोई कमी हमारे देश के लोगों में नहीं है। कमी दो जगहों पर होती है, एक तो ये आलस्य करते हैं और जब तक इनको प्रेरित नहीं किया जाता है ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भारतेंदु जी ने उस मेले में लोगों को यह इस प्रकार से प्रेरित करने का प्रयास किया है। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। आप जानते हैं कि जिस समय समुद्र को पार करके लंका में जाना था तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, तब हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। किंतु उसके पहले हनुमान जी भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैं लंका कैसे पहुंचूंगा। ठीक वही स्थिति जो है भारतीयों की भी है कि इनको, इनके बल की, इनके पुरुषार्थ की याद दिलानी पड़ती है। सो बल कौन याद दिलावे। अब कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रति क्षण आपको बल याद दिलाएगा। आपको अपने सामर्थ्य की, अपने शक्ति की जानकारी भी स्वयं रखनी होगी, इसी में आपकी उन्नति निहित है। आइए बच्चों, हम अगले अंश की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए मैं वाचन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहां गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, यहां
उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। सो गप भी निकम्मी, वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। आइए बच्चों इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। आप जानते हैं कि भूखे भजन न होई गोपाला, कि भूखे पेट भगवान का भी स्मरण करने की सामर्थ्य आज के व्यक्ति में नहीं है, इसलिए वह बार बार इस बात की दुहाई देता है कि हमको बहुत काम है और काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, और यह बहाना बनाकर वह अपने बहुत सारे कामों को टाल देता है जो उसके लिए समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालना होगा। बाबा हम क्या उन्नति करें, हम कैसे उन्नति करें जब हमारे पास समय नहीं है। लेखक का मानना है कि यह एक बहाना मात्र है, यदि हम उन्नत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम समय भी निकाल लेंगे और परिश्रम भी करेंगे। तुम्हारा पेट भरा है तुमको दून की सूझती है, जिसके पास समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वह दूर की सोच लेता है, उसके लिए सोचना आसान है। यह बात भी अपनी जगह बहुत गलत नहीं है, किंतु क्या जो साधनहीन है अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तो जो साधनहीन है, जिसके पास साधनों का अभाव है, उसको यदि अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नत के कांटों को साफ किया। एक हाथ से हम अपना पेट भर सकते हैं तो दूसरे हाथ से अपने मार्ग में आने वाले उन्नत के कांटों को भी साफ कर सकते हैं, बशर्ते उसका जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। यदि यह विचार हमारे मन और मस्तिष्क में आएगा तो निश्चित रूप से हम यह कार्य कर लेंगे। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? ये खेत में काम करने वाले किसान, टैक्सी टेम्पो चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, मजदूर, कोचवान, ये लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। लेकिन जो देश आगे है, जो समाज आगे है, वह क्यों आगे है, उसके कारण को स्पष्ट करते हुए भारतेंदु जी आगे कहते हैं, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बना में जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। कि जो लोग आगे बढ़े हैं वह निरंतर प्रगति और विकास के बारे में सोचते रहते हैं। आप जानते होंगे कि पहले बैलों के द्वारा हल से खेत की जुताई की जाती थी और बहुत समय लगता था, एक लंबा समय खेत जोतने में लग जाता था। आज तकनीकी साधनों के द्वारा ट्रैक्टर से खेत की जुताई कितनी जल्दी हो जाती है, या जो गेहूं काटने की मशीन होती है उस मशीन के द्वारा हम कुछ ही क्षण में बीघों बीघों खेत के गेहूं एकत्र कर लेते हैं। इससे कम लागत और कम समय में हमारी कार्य क्षमता अधिक बढ़ती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें नित नवीन प्रयास करना चाहिए, नित नवीन सोच रखनी चाहिए। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था वो, कि एक किसान ने जो है वह डीजल की महंगाई के कारण जो है वह जो खाना पकाने वाली जो गैस आती है
उस गैस के द्वारा वह इंजन पंपिंग सेट चलाकर अपने खेत में पानी की सिंचाई कर रहा था और उसका कहना था कि यह सिंचाई बड़ी ही सस्ती है। तो सिंचाई में किसान के ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, यदि कम पैसे में उसकी सिंचाई हो सकती है तो ऐसे साधनों का विकास, ये हमारे ही देश की बात है, तो हमें निरंतर इन दिशाओं में भी सोचना होगा और प्रयास करना होगा। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहां गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, यहां उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। इंग्लैंड का जो उदाहरण दिया है लेखक ने, आगे लेखक ने कहा है कि जब वह कोचवान खाली समय उसका रहता है तो वह अपनी सीट के नीचे अखबार भी रखता है, और यहाँ का जो कोचवान है वह कोरे समय में गप करेगा, ताश खेलेगा, तो इस प्रकार से उसकी उन्नति निश्चित रूप से बाधित होगी। क्षणे क्षणे विद्या, कणे कणे धनम, क्षण क्षण के उपयोग से हम विद्या अर्जित कर सकते हैं, अर्जित करते हैं, और कण कण को जोड़कर हम धनवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, जो समय का सदुपयोग है वह आपके जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन पछताइए अवसर बीते। जब एक बार अवसर हाथ से निकल जाएगा तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात की ओर लेखक ने यहां पर संकेत किया है। सो गप भी निकम्मी, जो गप वो करेगा समय बिताने के लिए वह अर्थहीन होती है। वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं, किंतु इंग्लैंड जैसे देश में ऐसे खाली समय में वह अपने देश के वैदेशिक नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर, या हमारे देश में सामाजिक सुधारों के प्रति यह सरकार कितनी जागरूक है, समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रही है, ऐसे विषयों पर वो लोग विचार करते हैं, इसलिए वह विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और हम इसीलिए अभी तक विकासशील देश की श्रेणी में है। यह अंतर बच्चों हमारे और उनके में है, तो इस फर्क को आप आज के छात्र हैं तो आज का जो छात्र है वही भविष्य का नागरिक है। भविष्य में आप इस समाज और देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, तो आपके अंदर यदि यह भाव पैदा होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज और देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों, आज जिस पाठ का हमने अध्ययन किया,